को मैं अमदाद उम्र हूँ फौज हो गई है सीधी सीधा पैगाम दे दिया गया इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को वफाकी हुकूमत ने भी बड़े फैसले किए हैं लेकिन हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद जो है वो फौज करेगी वफाकी हुकूमत के फैसलों से पहले फ़ौज ने अपना फ़ैसला सुना दिया आई एस पी आर ने एक प्रेस रिलीज जारी किया सख्त प्रेस रिलीज बड़े अरसे के बाद इस तरह का सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया गया प्रेस रिलीज़ में और नौ मई को योम स्याह करार दिया गया पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह बाब यानी वो दिन जो हमेशा याद रखा जाएगा यानी वो वाक़ जो हमेशा याद रखा जाएगा यानी वो सियासी जमात जिसने फ़ौज के ऊपर हमले करवाए वो सियासी लीडर जिन्होंने फ़ौज के ऊपर हमले कराए उनको याद रखा जाएगा ये पैगाम दिया गया है और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का भी एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और उस फैसले के मुताबिक अगर उस पर अमल होता है तो नौजवान जो ईंधन बने वो उनका मुस्तकबिल जो है वो स्याह हो जाएगा मुस्तकबिल उनका ख़राब हो जाएगा तो आज जो है जिस तरह सारा दिन मारधाड़ चलती रही लाहौर में रावलपिंडी इस्लामाबाद में पेशावर में ये तीन शहर जो हैं वो अभी तक संभल नहीं रहे अभी तक यहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर है अभी भी, भी लाहौर में मुख्तलिफ़ टोलियाँ जो हैं वो पथराव करती फिर रही हैं पेट्रोल बम है हाथों में पेट्रोल बम जो है मुख्तलिफ अपना पुलिस की यानी पुलिस के थानों के ऊपर सरकारी इमलाक के ऊपर सड़क पर चलती हैं गाड़ियों के ऊपर उन पर फेंका जा रहा है फ़ौज तलब कर दी गई है आ, पंजाब में भी और खबर पखतूरखा में भी लेकिन अभी उस तरह फौज नज़र नहीं आई आ, जो इन जो लो, लोग मुश्त हैं हजूम है मुश्तल जो शहर में कभी एक जगह आग लगाते कभी दूसरी जगह लाहौर में जेल रोड मॉल रोड मेन बुलेबर्ड कलमा चौक ये वाले इलाके जो हैं वो बने हुए थे मैदान जंग तो इस सारी सूरत हाल से जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कल से पेश आई कल कोरकमंड हाउस जला दिया गया जी एच क्यू पर जो है वो हमला किया गया हुकूमत उनको बलवाई कह रही है आई एस पी आर ने शतपसंद कहा है सियासी बलवाई कहा है उसके बाद जो रिएक्शन आया है वो बड़ा ख़तरनाक है रिएक्शन के साथ साथ एक और चीज़ डेवलप हुई है आ, वो उस तरह रिपोर्ट नहीं हो रही वो ये है कि इमरान ख़ान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ आ, तहरीक इसाफ इस्लामाबाद कोर्ट में कल सारा दिन बैठी रही इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी कानूनी है फैसला रात दे दिया गया आज सारा दिन तहरीक इंसाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लेकर बैठी रही मगर कहा गया कि कोई बेंच अवेलेबल नहीं है कभी के दिन बड़े कभी की रातें इसलिए कहा जाता है कि भाई सोच समझ कर सियासत करो सियासत करो लेकिन सियासत में जो रेड लाइन्स हैं वो क्रॉस ना करो मैं अक्सर एक गुजारिश किया करता हूँ कि इमरान खान साहब को जो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है वो इमरान खान साहब उसका इस्तेमाल अगर पॉजिटिव करेंगे तो ठीक अगर नेगेटिव करेंगे तो फिर अदालतों की लिमिट होती है इससे ज़्यादा अदालतें आगे जाकर रिलीफ नहीं दे सकती ये वही अदालतें हैं चीफ जस्टिस आ, अपना इमरान खान साहब को हर तरह का रिलीफ देते थे आधी रात को पिटीशन जाती थी पिटीशन सुनी जाती थी छुट्टी वाले दिन पिटीशन जाती थी पिटीशन सुनी जाती थी पंजाब के जो हफजा शहबाज के इंतबा के खिलाफ पिटीशन गई उसी दिन उसी दिन सुनी गई शाम का टाइम था अदालत यानी जज साहब पहले पहुंचे थे रजिस्ट्री में लाहौर को, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में और पिटिशनर बाद में गए थे ये इस तरह के आप दर्जनों वाक़ आप देखेंगे कि इस तरह रिलीफ मिलता रहा मगर जो चीज़ में जो फ़ौज का रिएक्शन है उससे पहले जो मैं गुजारिश करना चाह रहा था वो ये कि आज चीफ जस्टिस साहब दस्याब ही नहीं थे चीफ जस्टिस साहब ने आज दस्याब तो थे उन्होंने कहा हमारे पास जज अवेलेबल नहीं है आपकी पिटिशन सुने जाहिर हालात जिस नहाज पर चले गए हुए हैं उसमें इमरान ख़ान साहब की रिहाई जो है इस वक्त वो मुमकिन नहीं है इसलिए आठ दिन का रिमांड इमरान खान साहब का नैब की कोर्ट ने दे दिया तो ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी इमरान खान साहब के लिए उसके पीछे क्या है उसके पीछे जो प्रेस रिलीज आई है आई एस पी आर की कि भाई ये इस तरह अब ये इन लोगों को पोलिटिकल एंटिटी के तौर पर सियासी पार्टी के तौर पर अब इनको डील नहीं करना चाहिए ये एक फ़ौज के इदारे की तरफ से एक पैगाम आया है वो जो मैंने आगाज़ में कहा ना कि बाकी तो बातें बहुत ज़्यादा हैं इसमें लेकिन ये जुमला जो प्रेस रिलीज में हेडलाइन के तौर पर बाजाबत जारी किया गया प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पर देख लें इसमें बात ऊपर लिखा गया है कि नौ नौ मई का दिन एक बाब की तरह याद रखा जाएगा वो मैंने याद क्या रखा जाएगा मैंने बता दिया कि जी क्या क्या हुआ था और उसको अब आ, जो है वो माफी किया जाएगा अब जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ ज़ाहिर उसकी वजह से जी एच क्यू पर हमला हुआ उसकी वजह से किया गया उनके है उनके एफ़ आई आर वग़ैरह दर्ज हो गई हैं उस पर मैं आता हूँ पहले मैं प्रेस लिज पढ़ देता हूँ वज़ी अदम शहबाज शरीफ और काबीना भी बैठी है उन्होंने क्या फैसला किया है क्योंकि एक बात चल रही थी कि इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है मौलाना फजलर रहमान ने यह डिमांड किया कि ये गैर ज़रूरी अंसर है इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान की सियासत के लिहाजा इन पर पाबंदी लगाई जाए पाबंदी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन उन्होंने कहा था कि इनको सियासत में होना ही नहीं चाहिए अब वो होना नहीं चाहिए इमरान खान साहब की ज़्यादा तक मामला है या पी टी आई पर पाबंदी का मामला लेकिन वफाकी काबी में ये बात जेर बहस आई क्यों काबीना ने पाबंदी वाला मामला एजेंडा का हिस्सा ही नहीं बनाया वो तजवीज़ थी तो तजवीज़ को बस्तरद क्यों कर दिया गया उसके पीछे क्या लॉजिक थी क्या रीज़न थी उस पर भी मैं आता हूँ लेकिन पहले जो आई एस पी आर ने प्रेस लिस्ट जारी किया डी जी आई ने जिनको इमरान खान साहब ने कल इस्लामाबाद जाते हुए कहा था यानी आठ जब गिरफ्तार हुए थे नौ को नौ को नौ मई को जब इस्लामाबाद लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे जब उन्होंने कहा था कि आई एस पी आर साहब इदारे की इज्जत होती है तो एक आम पाकिस्तानी की भी इज्जत होती है मैं तो मुल्क की सबसे बड़ी लीडर का और मुल्क का सबसे बड़ा मकबूल लीडर हूँ मेरी भी इज़्ज़त होती है तो मेरे लिए आप जो करते हैं जिस तरह की साजिशें कर रहे हैं तो वगैरह वगैरह उन्होंने कहा था तो आई एस पी आर साहब जो हैं इमरान ख़ान साहब के बकौल तो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है ज़ाहिर डी जी आई एस पी आर ही उसके उसको हेड करते हैं तो उन्होंने किया उसमें कहा जा रहा है कि चेयरमैन पी टी आई को नैब के अलामिया के मुताबिक यानी पहली लाइन वही है जो मैं पढ़ के चुका हूँ पहले नौ मई का दिन एक से आबाब की तरह याद रखा जाएगा चेयरमैन पी टी आई को नैब के अलमिया के मुताबिक इस्लामाबाद कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया इस गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद एक मनज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई एक तरफ तो ये शरपसंदनासर अब ये शरपसंद उनको कह रहे हैं अवामी जज्बा को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते रहे यानी ये वो जो सड़कों पर जलाव घेराव कर रहे थे जो कोरकमांडर हाउस चला रहे थे नौजवान जो रेडियो इस्लामाबाद रेडियो पाकिस्तान चला रहे थे पिशावर में इस्लामाबाद में थाना जला रहे थे लाहौर में थाना जला रहे थे ये उनको शरपसंद नहीं उनको भड़काने वाले वालों को शरपसंद कहा जा रहा है एक तरफ तो ये शरपसंदनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज़ मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आँखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते जो दोगलेपन की मिसाल है ये इमरान खान साहब की तरफ सीधा इशारा है खान साहब अक्सर कहते हैं कि जी फौज मैं हूं ना हूँ फौज पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहम है मुझसे ज़्यादा भी फौज अहम है पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब कहते रहते हैं तो उस उस तरफ ये इशारा है इमरान खान साहब की तरफ कि एक तरफ लोगों को उकसाते हैं जो इमरान खान साहब अक्सर कहा करते हैं कि जी मुझे ये कत्ल कर देंगे इन्होंने मुझे कत्ल करने का मनसूबा बनाया है। ये न्यूट्रल ये फिलहाल ये फिलहाल ये वो उस तरफ इशारा है एक डर्टी हैरी है। है तो है ये उस तरह की बातें करते हैं ना इमरान खान साहब एक तरफ भड़काते हैं दूसरी तरफ जब फिर अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहते हैं कि नहीं जी फौज तो मुझसे भी ज्यादा अहम है ये उस तरफ इशारा आगे चल कहा जा रहा है कि जो काम मुल्क की मुल्क के अब्दी दुश्मन पिछहत्तर साल ना कर सके वो इकतदार की हवस में मुबतला एक सियासी लबादा उड़े हुए उस ग्रो ने करके दिखाया है यानी जो काम इंडिया नहीं कर सका इंडियन मीडिया खुद कह रहा है आज वो कह रहा है ये तो हम नहीं कर सके थे जो कुछ पाकिस्तान के मनाजिर हैं ये तो हम नहीं कर सके थे जाहिर है सियासीदम इसकाम की पैदावार है जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है कि जो हम नहीं कर सके थे वो पाकिस्तान में हो गया हुआ है तो ये कह रहे हैं पचहत्तर साल से वो जो अब्दी दुश्मन है हमारा वो नहीं कर सका तो सियासी लबादे लबादा ओड़े ग्रो यानी इमरान खान साहब को वो सियासी शनाख्त देने को तैयार नहीं है अब फौज वो कह रहे हैं सियासी लबादा उड़े हुए गुरु यानी मामला बहुत आगे चला गया फैसला जो मैंने कहा ना कि बड़ा फैसला कर दिया गया फौज ने इंतहाई तहमुल बुरदबारी और रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह ना करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया मजमू मनसूबाबंदी के तहत अब ये वो जो पीस है ना ये पैराग्राफ ये है वो जिसकी वजह से कल से सवाल उठाए जा रहे थे तो उसका जवाब है कि रोका क्यों नहीं गया इवन पीटीआई के लोग भी ये कह रहे हैं कि लोगों को जाने दिया गया अपने लोग शामिल कर दिया गया ये पीटीआई का इल्ज़ाम है शाम कुरुशी ये कह रहे हैं फवाद चौधरी ये कह रहे हैं सदम ने यह कहा सब ये कह रहे हैं कि जी वो तो हमारे लोग तो थे ही नहीं उन्होंने वहाँ हमारे लोगों को खुद उकसाया कि जलाओ 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 तो वो कह रहे हैं कि अब उसका जवाब दे रहे हैं कि क्या हुआ असल वो कह रहे हैं कि जी फौज ने इतम बुरदबारी और रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह ना करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया मजमू मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई सूरत हाल से ये घरावनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्दमल दे जिसको अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके अब ये कह रहे हैं कि जी साजिश ये थी कि कैंटोनमेंट में जब अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जी कोर कमांडर हाउस हम रहे हैं या जी एच क्यू जा रहे हैं तो फिर फौज उसको ताकत के जरिए रोकेगी फौज के पास क्या ताकत होती है गोली फौज गोली चलाएगी लाशें गिरेंगी लाशें गिरेंगी तो फिर उसको इमरान खान साहब इस्तेमाल करेंगे अपने सियासी मजमूम सियासी मकासद के लिए जो आई एस पी आर कह रहा है मगर वह क्या कह रहे हैं कि जी आर्मी के मेच्योर रेस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बना दिया हमें अब मच्योर रिस्पांस क्या था मच्योर रिस्पॉन्स ये था जो कल से हम कह रहे हैं कि जो प्रॉम्प्ट रिएक्शन था लोगों का जो एंगर था उसको उसके सामने ढाल नहीं डाली रुका आ गया कि ठीक है जी आप एहतियात कर लें अपना जो करना चाहते क्योंकि उस वक्त रोका जाता तो लोग भी गुस्से में थे और अब तो जो एफ़ आई आर दर्ज हुई है उस एफ आई आर के मुताबिक तो फायरिंग तो अब एफ़ आई आर कह रही है मैं नहीं कह रहा कि फायरिंग तो की है अपना असलम इकबाल और महमूद रशीद ने उससे वो जो दो नौजवान वहाँ पर हलाक हुए हैं कदीर और अब्दुल्ला वो उनकी फायरिंग से हिलाक हुए हैं और एफ़ आई आर में फिर बताया गया कि कितने लोग नामजद हैं नामज़द लोगों के नाम एफ़ आई आर में जाहिर है उसमें ज़ुबैर न्याजी हैं अहसान न्याजी हैं दूसरे लोग जो वहाँ पर यासमिन राशिद साहब आए जो लोग उधर वहाँ थे स्पॉट पर जिनकी वीडियो तस्वीर वगैरह आ गई हैं वो उनको उनको नामज़द किया गया है तो ये कह रहे हैं कि जी मिच्योर रिस्पॉन्स जो था वो ये था कि हमने फैसला कर लिया था कि अगर लोग आए तो उनको आने दें क्योंकि प्रेस प्रेसल से लग रहा है कि पहले से अंदाज़ा था कि ये रिएक्शन होगा इस तरह का मंसूबा है उनको पा, उनके पास इंफॉर्मेशन और अब तो कुछ सोर्सेज से ये बात पता चल रही है कि ये प्रॉपर प्लान करके किया गया था और ये जो रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस इधारों के पास है उस उस हवाले उस से मैं कह रहा हूँ अच्छा जी हमें अच्छी तरह आगे चलकर कहा जाता है कि हमें अच्छी तरह हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकाम हिदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबाबंदी थी और है वो जब मैं पहले जुमला कह रहा था ना वो ये है कि ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास हमें पता था कि पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप अब उसमें वो शरपसंद लीडरशिप में उनके नाम जो सो, सोर्स बता रहे हैं लेकिन हम नहीं बता रहे जब इन्वेस्ट, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो पता चल जाएगा जो सहूलत मनसूबा साज और सियासी बलवाई उनकी कार्रवाई में मुलव हैं इन कार्रवाईों में मुलिस हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी ये तमाम शरपसंदनासर अब नतज के ख़ुद जिम्मेदार होंगे फ़ौज बशमूल तमाम कानून नाफज करने वाले इदारे फ़ौजी और रियाती तनसीबात और अमलाक पर किसी भी मज़ीद हमले की सूरत में शदीद रद्दमल दिया जाएगा जिसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और बर्मला व मतदद बार इसका इजहार भी कर चुका है किसी को भी आवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी अब ये जो जुमला है दोबारा इस पर फोकस करें यह जुमला है कि जी ये जो जो सियासी टोला है ये मुल्क को खाना जंगी में धकेलना चाहता है जिसका वो कई बार इजहार कर चुके हैं खुल कर कर चुके हैं ये इमरान खान साहब कर चुके हैं खाना जंगी हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान दूसरी तरफ आए हुकूमत पंजाब का एक प्रेस रिलीज आए उसमें यह कहा गया है कि जनाब डेढ़ सौ से ज़्यादा डेढ़ हज़ार एक हज़ार पचास से ज़्यादा लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं जो इस, इसमें जलाओ गिराव में मुलवि थे लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये वीडियो फुटेज़ और की मदद से जिनकी शनाख्त होगी हो जो नौजवान जो भी हैं उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये रिकॉर्ड पर रखा जाएगा कि इन्होंने ये जो ख़ास पर कोर का हाउस का वाक़ है और बाकी जो जलाओ घेरा है घेराव है वो रखा उसमें डाल दिया जाएगा रिकॉर्ड में फिर उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो अच्छे कैरेक्टर वाला नहीं मिलेगा रिकॉर्ड यापता होगा कि जनाब ये तो जराइम पेशा या शरपसंद या इस तरह का बंदा है तो फिर उसका खमियाजा क्या होगा उसके नतयज़ क्या होंगे कि गैर मुल्की वीज़ा नहीं वीज़ा नहीं वीज़ा नहीं मिलेगा उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अली तलीम के लिए वो बाहर नहीं जा सकेंगे इमिग्रेशन नहीं हो सकेगी पुलिस और कोई भी सरकारी जो जो मुलाजमतें हैं वो इनको नहीं मिल सकेंगी अब ये जो फैसले हैं जाहिर है ये फैसला इसलिए किया गया है कि जो नौजवान जाते हैं अपने घरों से जज्बात में आकर उनको उनके वालदे रोके ये फैसला इसलिए किया गया अब दूसरी चीज़ जो है वो वजीरम शहबाज शरीफ ने आज काबिना का अजलास किया।, किया इजलास के बाद उन्होंने खिताब किया खिताब में यही था कि जी आहनी हाथों से नहीं निपटेंगे बाकी एक तारीख उन्होंने बताई कि किस किस तरह सियासी लोग तदबर का मुजाहरा करते रहे तहुल का मुजाहरा करते रहे उन्होंने मिसाल दी कि मोहतरमा बिनुद्दीन भटोश की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी का जो तर्ज अमल था वो शानदार था और उस पर उन्होंने जो पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया और फिर हमने जो सियासी इंतकाम था वो वह बिस् जमूरीत के बाद ख़त्म कर दिया था इमरान खान साहब ने आकर दोबारा शुरू किया वग़ैरह वगैरह ये बातें शहबाज शरीफ साहब के खिताब में लेकिन जो वफाकी काबीना के अजलास में दो चीज़ें हुई एक ये फैसला किया गया कि इतवार को ये जो इतवार आ रहा है इस इतवार से मुल्क गिर जलसे होंगे इत्यादी जमातें जो जलसे करेंगी जो जो जहाँ जिसकी पोजिशन होगी और दूसरी चीज़ जो डिस्कस हुई वो ये थी कि तजवीज़ आई थी कि इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए तो उस तजवीज़ को सिरे से मुस्तरद कर दिया गया एजेंडा का हिस्सा बनाना तो दूर कहा यह कि ये तजवीज़ अच्छी नहीं है पोलिटिकल पार्टीज़ पर पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए जो अशख्स यानी इमरान ख़ान साहब या इस तरह के लोग वो अगर किसी जरायम पेशा सरगर्मियों में मुलविस हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा साबित हो जाएगा तो वो फिर सियासत से ख़ुद ब खुद आउट हो जाएंगे सज़ा मिलने की सूरत में सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए ये जो अच्छी सोच की अक्कासी है पोलिटिकल पार्टीज़ पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए पीपल्स पार्टी को मुशरफ ने ख़त्म करने के लिए कह दिया कि सज़ा याफ्ता जमात की जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ लीडर की जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो फोरपी बन गई आज फोर पी भी है थ्री पी भी है नैब बंद कर दिया गया उस पर पाबंदी लगा दी गई थी नेशनल आवामी पार्टी वो बाद में मुख्तलिफ नामों के बाद आकर अवामी नेशनल पार्टी में वो आज भी मौजूद है या उसमें जितने लोग थे बाद में मुख्तलिफ जमातों की शक्ल में वो भी आ गए तो अच्छा फैसला था हुकूमत का कि पाबंदी नहीं लगाई गई अब जोरतल है वो ये है कि हालात अभी तक काबू में नहीं आ रहे अब हालात को काबू कैसे किया जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है फ़ौज तलब तो कर ली गई है लेकिन फ़ौज अभी सड़कों पर खासतौर पर लाहौर में अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तक नज़र नहीं आई फौज नज़र नहीं आई पुलिस जो है वो जो मुश्त लोगों से पुलिस निबट रही है और वो सड़कों पर फिर रहे हैं कहीं कहीं पथराव कर रहे हैं कहीं जलाओ घेराव कर रहे हैं ये सिलसिला देखिए अब कितने दिन चलता है कितनी देर तक चलता है इसका अंजाम क्या होता है अब तक ये इतना ही, ही। अल्लाह हाफिज़